नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल SSC एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, RRB ग्रुप डी की आप लोगों की जो भर्तियां चली हुई हैं उसी तरफ से आप लोगों का RRC वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है 18/10/2019 को। इसके अंदर नोटिस के अंदर पूरी अपडेट दी गई है कि आप लोगों का जो ऑर्डर है कैंसिलेशन ऑर्डर जारी किया गया है। ये जो 604 अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही दुखी खबर है। जो 604 अभ्यर्थी हैं उनको कैंसिल कर दिया है, उनकी पोस्ट को कैंसिलेशन प्रोसेस में डाल दिया गया है। तो क्या वो कारण है, उनको जो है लास्ट डेट दी गई है 15 तारीख, अब उनकी लास्ट डेट है यानी 15 नवंबर तक की लास्ट डेट दी गई है जिस वो अपील कर सकते हैं। अगर वो 15 नवंबर तक अपील नहीं कर पाते हैं तो उनको कैंसिल मान लिया जाएगा और कोई भी अदर मॉडिफिकेशन उनके द्वारा नहीं जारी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या वो कारण है, क्या किस कारण से उनको कैंसिल किया गया है। अगर आप लोगों को कैंसिल किया गया है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा किस कारण से आप लोगों को कैंसिल किया गया है और क्या आप लोग आगे कार्रवाई करना चाहते हैं। और आप लोगों अगर कोई आगे कार्रवाई करने में मेरी मदद की जरूरत है तो आप लोग मेरे को मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आप लोगों को आप हमारे YouTube चैनल से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, बता देते हैं किस कारण से RRC वेस्टर्न रेलवे में 604 अभ्यर्थियों को कैंसिल किया गया है, कौन सा ऑर्डर जारी किया गया है उनसे रिलेटेड और किस तरीके से वो अपना कैंसिलेशन प्रोसेस के ऑर्डर को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नोटिस पढ़ा देते हैं वेस्टर्न रेलवे की तरफ से 18/10/2019 यानी आज की डेट में नोटिस जारी किया गया है जिसमें आप लोगों का नोटिस है कैंसिलेशन। यहाँ पर देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ लेवल 1 कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट नॉन PWD कॉल्ड फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लिस्ट ऑफ द 604 नॉन PWD कैंडिडेट कॉल्ड फॉर फर्स्ट स्टेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुज कैंडिडेचर इज कैंसल्ड इज गिवन बिलो। कैंडिडेट मे सी द रीजन ऑफ कैंसिलेशन by entering their roll number and date of birth. Candidate who desire to represent against the cancellation of the candidature may submit the representation on REGZ यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से हमारे पास एक लेटर भेज सकते हैं जो 5/11/2019 तक ही मान्य होगा। अगर आप लोग 5/11/2019 तक कोई कैंसिलेशन के लिए कोई प्रोसेस शुरू नहीं करते हैं तो आप लोगों का कैंडिडेचर बिल्कुल रद्द किया माना जाएगा। और इसमें जो है आप लोग चेक कर सकते हैं रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर कौन कौन से कैंडिडेट को जो है कैंसिलेशन ऑर्डर दिया गया है। वहीं देखिए, RRC वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट दी गई है और जो कैंडिडेट हैं वो नॉन PWD कैंडिडेट हैं। व्हाइल ड्यू केयर ऑफ आप जो प्रिपरेशन की गई है, जो भी आप लोगों का कैंसिलेशन के लिए 604 अभ्यर्थियों को रखा गया है वो बिल्कुल ही सटीक और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से रखा गया है। बल्कि अगर इसके अंदर कोई टाइपिंग मिस्टेक भी पाई जा सकती है तो उसके लिए भी 5वां पॉइंट दे रखा है। वहीं 18/10/2019 को जो है नोटिस जारी किया गया है। अब ये चेक कर लेते हैं किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का क्या का तो कम कैंडिडेचर कैंसिल नहीं हो गया है, क्या 604 अभ्यर्थी में आप वो कैंडिडेट तो नहीं है जिनका कैंडिडेचर रद्द किया गया है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोगों RRC वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट पर आ लेना। तो देखिए, ये है आप लोगों की RRC वेस्टर्न रेलवे की वेबसाइट। वहीं पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू व्यू द कैंसिलेशन स्टेटस। तो आप लोग कैंसिलेशन स्टेटस के पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक स्टेटस लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जिसमें आप लोगों का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन। तो सबसे पहले देखिए, RRC वेस्टर्न रेलवे इस तरीके से आप लोग कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट पोस्ट अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर 2/2018 और फॉर द ईयर ऑफ 2018 और 19। यहाँ पर आप लोग देखिए, मैंने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ टाइप किए हुए हैं जिससे आप लोगों को कोई जल्दीबाजी ना हो। देखिए, यहाँ पर आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा कि कैंसिलेशन का क्या स्टेटस है आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों का नाम इस कैंडिडेचर के कैंसिलेशन ऑर्डर में नहीं है तो आप लोगों का स्क्रीन पर शो हो जाएगा यू आर इंटर रॉन्ग डिटेल्स और यूर नंबर रोल नंबर जैसे कैंडिडेट विद द इंटर डिटेल्स द नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में इस कैंडिडेट का नाम नहीं है तो यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर किसी का नाम होगा तो यहाँ पर आप लोगों का शो हो जाएगा कि आप लोगों का कैंडिडेचर क्यों रद्द किया गया है। जो कैंडिडेट अभी तक वीडियो देख रहे हैं, अगर आप उनमें से किसी कैंडिडेट का अगर इस तरीके से शो हो रहा है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं और हम आप लोगों की पूरी मदद करेंगे कि आप लोग किस तरीके से आप लोगों को जवाब देना है RRC को जिससे आप लोगों की जो पोस्ट है वो बची रह सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।